हेलो गाइज, आप देख रहे हैं यूट्यूब की दुनिया और मैं डीके। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे पिंक बॉल टेस्ट मैच पे पहले दिन इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक के एक कैच को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस के बीच बहस का माहौल है। दरअसल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में भारतीय टीम की पहली पारी के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के बल्ले की किनारे में लगकर स्लिप पर खड़े स्टोक की तरफ गई। स्टोक ने गेंद पकड़ने के बाद कैच आउट की अपील कर दी। दरअसल फील्ड एम्पायर ने स्टोक की अपील को तीसरे एम्पायर की तरफ रिव्यू के लिए भेज दिया और सच यही था कि इस बॉल पर हमारे शुभमन गिल आउट नहीं थे और ये बात बेन स्टोक को पता था। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि स्टोक के हाथ पे आने से पहले गेंद जमीन पर छू चुकी है और कैच अमान्य था, लेकिन उन्होंने एक फेक अपील करी ताकि शायद एम्पायर उनको आउट दे दे। जिस तरह से तीसरे एम्पायर ने गिल को नॉट आउट करार दिया, ये बात साफ हो गई कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ चल रहा था कि शायद इसका हमें फायदा मिल जाए। इस फैसले के गलत होने के बाद अपील को लेकर कई लोग सोशल मीडिया पर इनका हलवा बना रहे हैं और हलवा बनाना जायज भी है, क्योंकि अगर आपको पता है कि बैट्समैन आउट नहीं है तो इस तरीके की अपील नहीं करनी चाहिए। फैंस के साथ साथ क्रिकेट समीक्षक भी अब उनके खिलाफ खड़े हैं और इंग्लिश क्रिकेटर की इस अपील की खूब आलोचना हो रही है और आलोचना होनी भी चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड पाकिस्तान की तरीके फेक अपील करके प्रेशर पे ले रहा था हमारी इंडियन टीम को, जो गलत। और इसको लेकर संजय माजरेकर ने एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, टीवी एम्पायर वाज ए बिट टू क्विक फॉर माय लिंकिंग विद दैट नॉट आउट कॉल आउटस्टैंडिंग दैट शॉर्ट सिंगल वाज आउट बट आई वाज द राइट कॉल एंड नाउ एडवाइज टू ओवरऑल द वन फाइल शॉर्ट सिंगल। और इसको लेकर अपने जाने पहचाने चेतन नरूला ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, डोंट गेट दिस अरेंजमेंट दैट एम्पायर शुड हैव लुक्ड दैट फ्रॉम मोर एंगल इफ यू कैन सी इट इज नॉट आउट द बॉल पंपड फ्रॉम द फर्स्ट एंगल व्हाई वेस्ट टाइम और हैशटैग दिया है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। कई और ऐसे भारतीय विशेषज्ञ हैं क्रिकेट के जिन्होंने इसको लेकर के अपनी आवाज उठाई और उनका कहना था कि एक टाइम वेस्ट करने वाली बात थी जो नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए।